बंद है रास्ता। चलिए मिलते हैं फिर वहां पे, है ना। चलिए टाटा, चलो बाबू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिस इज डे 4 ऑफ ब्यूटीफुल सिक्किम राइड। तो पार्ट 1 बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने इस वीडियो का 2 पार्ट बना दिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो इन दिस पार्ट मैं कवर करूँगा, लाचुंग से मैं निकला हूँ 2:28 में और मैं जा रहा हूँ मंगन। तो जर्नी दिखा रहा है 1:47। तो लेट्स सी मेरे को कितना टाइम लगता है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन। अभी फ़िलहाल वेदर बहुत ही अच्छा है, पूरा धूप है, बट आपको पता है कि पहाड़ में वेदर मिनट मिनट में चेंज होता है, तो बोल नहीं सकते कि वेदर कब चेंज होगा। और आते टाइम में उतना मैं रिकॉर्ड नहीं किया था, सो आई थॉट कि जाते टाइम में जो जो सीन मुझसे मिस हुआ था वो मैं कवर कर दूंगा। और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का लिंक रहेगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एडवेंचरस। और अगर आपने प्रीवियस ब्लॉग देखा है तब तो पता ही होगा कि किस तरह से मैं एडवेंचर करके यहाँ तक पहुँचा था, अभी सेम एडवेंचर करके वापस मंगन। और जिस होटल में मैं रुका था, रियली इट वॉज अ गुड होटल, लेकिन यहाँ पे है क्या कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। अगर थोड़ा भी स्नोफॉल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है। तो अगर आप आ रहे हैं तो मेक श्योर कि आप इनफ पावर बैंक या फिर गैजेट्स वगैरह चार्ज करके लाइए, नहीं तो फिर यहाँ पे चार्ज नहीं हो पाएगा। और होटल का स्टाफ का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, और होटल का प्रॉपर्टी तो मैं दिखाया है, इट वॉज ऑसम। जस्ट आप बालकनी से पूरा व्यू देख सकते हैं, तो रियली इट वॉज नाइस स्टे। मतलब कल जो टेम्परेचर था यहाँ पे माइनस में चला गया था, -6 डिग्री तक गया था यहाँ पे, और इसके ऊपर मैं भी आर्मी कैंटीन से ग्लव्स लिया, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना मना था, तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो वहाँ पे मैं आर्मी कैंटीन का पर्सन से बात किया, उन लोगों ने बोला कि कल ही -12 डिग्री गया है, जस्ट यहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर था। और अगर आप बाइक ट्रिप प्लान कर रहे हैं इस सब जगह में, तो जितना कम से कम आप लैगेज ला सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि बाइक का वजन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो मेक श्योर यू आर कैरिंग ओनली नेसेसरी थिंग, डोंट कैरी अननेसेसरी थिंग, या जो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि कपड़ा वगैरह यहाँ पर आप चेंज ही करेंगे। अगर आप राइडर हैं तो ऑब्वियसली आप राइडिंग गियर्स पहन के आएंगे, तो फिर आपको ज़्यादा कपड़ा वगैरह कैरी करने का ज़रूरत नहीं है। और ये देख सकते हैं, दिस इज़ द वैली। तो इसको वैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि लद्दाख में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे जो पहाड़ है उस पर कोई भी आपको ग्रीनरी नहीं मिलेगा, सिर्फ पहाड़। बट यहाँ पे सिक्किम राइड अगर आप करते हैं तो पहाड़ तो दिखेगा ही, पहाड़ के ऊपर जंगल, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वैली। आई होप ये ब्यूटीफुल सिक्किम सीरीज का वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मेरे मोटिवेशन मिलता है कि चलो मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा काम कर रहा हूँ। और अगर कोई भी सजेशन है, फील फ्री टू कमेंट ऑन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आपका है। चुंगथांग 17 किलोमीटर फ्रॉम हेयर एंड दिस इज ब्यूटिफुल गेट, विजिट अगेन, श्योरली आई विल विजिट अगेन, क्योंकि ट्रिप अधूरा रह गया। गुरुदोंगमार लेक पूरा बंद था जिसके वजह से यह ट्रिप अधूरा रह गया, तो कोई नहीं, अधूरा है तो पूरा करने एक बार जरूर आएंगे। और यह ब्यूटीफुल आयरन ब्रिज,
आयरन ब्रिज पे जैसे ही बाइक जाता है एक अलग लेवल का फीलिंग आता है। तो एक रास्ते में बहुत ही सुंदर व्यू मिला है, आप देख सकते हैं कहाँ से पानी आ रहा है। ओह माय गॉड, रियली इट्स सो बिग वाटरफॉल। मैं गोप्रो एक्चुअली बंद करके रखा हूँ क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो जहाँ पे थोड़ा सीन अच्छा रहा वहाँ पे रुक करके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी मैंने टुंग चेक पोस्ट क्रॉस किया है। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जितना दिन आपको रुकना है उतने दिन का ही परमिट बनवाइए। एक दिन ज़्यादा भी बनवा सकते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए किसी रीजन से एक दिन डिले होता है तो वो सब पुलिस वाले नहीं सुनेंगे, या फिर जो भी आर्मी वाले हैं वो सुनेंगे नहीं, वो सीधा फाइन देना पड़ेगा आपको। 200 रुपये के चक्कर में आपको 1000 रुपीज़ का फाइन देना पड़ सकता है। तो अभी बज रहे हैं 4:18 और अभी भी 40 मिनट बाकी है, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा नज़ारा आ रहा रास्ते में, मैं सोच रहा हूँ कि और नहीं रुकूँगा, बट इतना खूबसूरत नज़ारा देखकर रुकना ही पड़ रहा है। और ये होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग आते हैं घूमने के लिए, सिर्फ रास्ता मापने के लिए तो नहीं आए कि आए क्रॉस किया चले गए। सो वही चीज़ मैं इंजॉय कर रहा हूँ और फोटो वगैरह क्लिक कर रहा हूँ, बीच बीच में रास्ते में रुक करके वीडियो शूट कर रहा हूँ, सो दैट आपको भी अच्छा लगे वीडियो। जो भी फोटोग्राफ मैं क्लिक कर रहा हूँ वो आपको इंस्टाग्राम आईडी पे मिलेगा, सो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपका स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ से आप फॉलो कर लीजिए। तो यार तुम चेक पोस्ट के बाद थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, कैमरा वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते। और ये अगेन एक खूबसूरत नज़ारा, रीज़न इसका यही है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, और जहाँ तक सिक्योरिटी का बात आता है देश का बात आता है तो यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने वही किया, जो भी रिस्ट्रिक्टेड जोन था वहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ रखा, और जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड जोन नहीं था वहाँ पर मैं कैमरा ऑन किया हूँ, सो दैट आपको भी पता चले कि किस तरह का रोड है, किस तरह का वेदर है और किस तरह का खूबसूरती है। तो मैंने इस सीरीज का ब्यूटीफुल सिक्किम नाम इसीलिए दिया है क्योंकि इस टाइम में सिक्किम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि हर जगह आपको स्नो मिलेगा और आपको पता है जब पहाड़ पे स्नो गिरता है तो उस पहाड़ की खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाती है। और ये एक और आयरन ब्रिज और ये खूबसूरत सा वाटरफॉल। तो एक चीज ध्यान रखिए, नेचर जितना खूबसूरत है उतना खतरनाक भी है, तो रिस्पेक्ट द नेचर जब कभी भी आप आ रहे हैं और इसकी खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। ये सारे जो प्रेयर्स फ्लैग लगे रहते हैं ये सिक्किम का पहचान है, और ये प्रेयर फ्लैग माना जाता है बहुत शुभ होता है इसीलिए लोग लगाते हैं, और रियली दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अगर रोड पे ये कलरफुल जो फ्लैग्स होते हैं बहुत सही लगता है, मैं भी अपने बाइक पे एक लगाऊंगा, बट उस दिन जिस दिन मैं खारदुंगला टॉप पर रहूँगा। वन शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, जब कभी भी पहाड़ में या कहीं भी आप राइड कर रहे हैं तो जो 4-व्हीलर होता है उसके पीछे एकदम मत रहें, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रहिए, क्योंकि होता क्या है कि ऐसे ऐसे ढलान पे ये लोग ब्रेक मार देते हैं, इनका तो गाड़ी रुक जाता है, बट 2-व्हीलर संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा गैप बना के चलिए, अगर वाटर क्रॉसिंग है या फिर इस तरह का चढ़ाई है तो आप थोड़ा सा गैप बना के रखिए। जब मैं यमथांग वाले रास्ते में जा रहा था तो हुआ यूँ
कि एक जगह ऐसा रास्ता आया जहाँ पे एक KTM एडवेंचर वाले भाई साहब थे, उनका बाइक स्किड कर गया, वो गिर गया, मैं पीछे था, मैं रुक गया। फिर एक फोर व्हीलर गया, फोर व्हीलर बहुत पिकअप दे करके चढ़ा तो दिया, बट एक सर्टेन पॉइंट तक जा करके क्या हुआ, फिर वो बाइक से फंस गया और स्किड हो करके धीरे धीरे नीचे आने लगा। तो उस कंडीशन में अगर एकदम आप पीछे रहेंगे व्हीकल के तो कुछ मिस हैपनिंग होने का चांसेस है। तो कीप डिस्टेंस वाइल राइडिंग इन माउंटेन एंड वाइल क्रॉसिंग वाटर क्रॉसिंग, मतलब इस रास्ते में आप आ रहे हैं ना तो वाटरफॉल आपको हर 2-3 किलोमीटर में एक वाटरफॉल आपको मिलेगा, देख सकते हैं खूबसूरती। ओ माय गॉड, रियली इट्स सो ह्यूज। आई डोंट नो कि कैमरे में कितना आ रहा होगा, बट ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो दिस इज नागा वाटरफॉल, यहाँ से जा करके ये नीचे यहाँ पे गिर रहा है। ओह गजब, सो ब्यूटीफुल। और अगेन एक वाटरफॉल, थैंक यू फॉर विजिटिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ पे एक चीज़ है कि शाम बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। 4:42 हुआ है अभी तक, 4:42, एंड आप देख सकते हैं थोड़ा अंधेरा अंधेरा जैसा लग रहा है। तो अगेन वन मोर खूबसूरत आयरन ब्रिज। मंगन से जो लाचुंग का रास्ता है अच्छा ही है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बैड पैचेज आ रहा है तो उतना रहेगा ही क्योंकि पहाड़ी एरिया है, लैंडस्लाइड वगैरह भी होता है यहाँ पे, तो वो एक रीजन है। और बहुत ज़रा ग्लेशियर का पानी आता है रोड पे, तो भी एक रीजन है रोड ख़राब होने का, बट ओवरऑल अच्छा रोड है क्योंकि थोड़ा बहुत ख़राब रहेगा तभी तो एडवेंचर का फील होगा। ये सारा रास्ते में बीच बीच में व्यू पॉइंट आता है जहाँ पे आप रुक करके माउंटेन देख सकते हैं, बट मैं बाइक पे बैठे बैठे इतना सारा माउंटेन देख लिया कि और व्यू पॉइंट पर रुकने का ज़रूरत है नहीं। बाइक पे राइड करने का एक यही फ़ायदा है, दो अभी मैप में दिखा रहा है 950 मीटर और है कि मंगन टाउन यहाँ से शुरू हो गया है। मेरा होटल भी यहीं आसपास में होना चाहिए, जिस होटल में मैं रुका था डे टू को सेम होटल में मैंने बात कर लिया है। यस आई हैव रीच्ड, सो दिस इज द होटल वेयर आई विल स्टे। सो द टाइम इज 4:57 एंड आई हैव रीच्ड टू मंगन। तो चलिए अब डायरेक्ट मिलते हैं आपसे रूम में। ऑल राइट फ्रेंड, तो आ गए रूम में। तो जो रूम के लिए बात हुआ था गुड्डू जी से, होटल उनका फुल हो गया था तो उन्होंने एक और अरेंजमेंट किया है, टैमरिन बोल के उनके जस्ट अपोजिट में ये होटल है। तो मैं रूम टूर आपको एक बार दे देता हूँ। सो दिस इज द रूम, TV, ये बेड, ड्रेसिंग टेबल, एक ड्रॉअर है जिसमें सामान रख सकते हैं, वॉशरूम और एक बालकनी है। बालकनी से डायरेक्ट ये मार्केट। तो आज का जो डे था, लाचुंग से मंगन आने में मेरे को 2.5 घंटे का टाइम लगा। ब्यूटीफुल सिक्किम राइड का day 4 मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, और कल का जो मेरा प्लान रहेगा यहाँ से मैं गंगटोक के लिए निकलूँगा, उसके बाद का जो डिटेल है मैं कल आपको बताता हूँ। चलिए इसी नोट पे वीडियो एंड करते हैं, और day 1 to day 3 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ पे आप जा करके देख लीजिएगा, सो दैट इस वीडियो को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, थैंक यू।